वेलकम साथियों, साफ्टोविक पाउडर इसके बारे में जानकारी दीजिए, आप लोगों का क्वेश्चन है। तो साफ्टोविक पाउडर के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितना लेना होता है, कैसे लेना रहता है, क्या साइड इफेक्ट आता है, क्या लंबे समय तक ले सकते हैं, कौन लोग ले सकते हैं, किन के लिए रहता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। साफ्टोविक पाउडर एक आयुर्वेदिक पाउडर है या आयुर्वेदिक दवाई है। किस लिए दी जाती है, कब्ज के लिए दी जाती है, मोस्टली कब्ज के लिए या आंत से संबंधित जो बीमारियां रहती है उनके लिए दी जाती है। तो साफ्टोविक तीन तरह के आते हैं, एक तो होता है क्लासिकल वाला, एक होता है शुगर फ्री। शुगर फ्री मतलब डायबिटीज वाले लोग शुगर फ्री वाला ले सकते हैं, और एक ऑरेंज फ्लेवर, ऐसे लोग जिनको कुछ फ्लेवर चाहिए, पीने में अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑरेंज फ्लेवर ले सकते हैं। अंदर का फार्मूला सेम रहने वाला होता है। तो अब साफ्टोविक के अंदर जो कंटेंट है, अगर पहले उसकी बात कर लें कि क्या होता है और एक ऐसे काम करता है, तो मेन क्या होता है, साफ्टोविक फाइबर बेस्ड दवाई है, साथ में और भी आयुर्वेदिक चीजें डली हैं जो आपकी आंत की हेल्थ के इन्फ्लेमेशन सूजन को ठीक करती है, कब्ज से बचाती है, लैक्सेटिव इफेक्ट रहता है। तो मेन चीज है इसके अंदर होता है इसबगोल, जिसके अंदर फाइबर होता है। तो 5 ग्राम में 2 ग्राम होता है इसबगोल और ये 40% हो गया। तो इसबगोल में होता क्या है, फाइबर होता है जो कि आपकी जो स्टूल है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, उसकी कंसिस्टेंसी को सही करता है, ऐसा कह सकते हैं कि लैक्सेटिव इफेक्ट भी होता है। तो स्टूल ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बल्क में बनता है, तो पेट अच्छे साफ हो जाता है। फाइबर जो इसबगोल है उसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू है नहीं, उसमें फैट, कार्ब, प्रोटीन, शुगर कुछ भी नहीं होता है। तो आंत को सही रखने के लिए, स्टूल बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। और इसके साथ इसके अंदर जो बाकी की दवाइयां हैं उसमें सोनामुखी जैसे है, इसके अलावा इसमें अमलतास है, हरड़ है, इसके अलावा मुलेठी है, सौंफ है और गुलाब जल है। तो अमलतास हो गया, सोनामुखी हो गया, ये लैक्सेटिव इफेक्ट दिखाते हैं। इसके अलावा जैसे मुलेठी, हरड़ हो गया तो आंत के अंदर जो इन्फ्लेमेशन सूजन है उसको कम करता है, अल्सर के लिए अच्छा होता है। सौंफ क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन बढ़ाता है, गैस को रोकता है, और गुलाब जल का भी इसी तरह का इफेक्ट होता है। तो ओवरऑल जो इसके अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन अपन बोले वो है, तो होगा क्या कि एक तो कब्ज के लिए सही रहेगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, पेट भारी रहता है तो उसमें फायदा होगा, भूख नहीं लग रही है तो उसमें फायदा होगा। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो पेशेंट रहते हैं, जिसमें कई बार कब्ज होना, कभी दस्त हो जाना, पेट भारी रहना, मरोड़ लगना, इस तरह के व्यक्तियों को फायदा रहेगा। तो ये इसके अंदर का कंटेंट हो गया कि कैसे ये काम करता है। मोस्टली ये फाइबर बेस्ड दवाई है, मतलब ज्यादातर हिस्सा इसबगोल का है, और फिर बाकी भी चीजें हैं जो आपकी आंत को हेल्दी रखने में मदद करती है। तो किन व्यक्तियों में दिया जाएगा यूज, इसका ये रहेगा कि जिनको कब्ज रहती है, जिनका पेट साफ नहीं रहता, पेट में दर्द होता है, जिसको भूख नहीं लगती है, हल्का हल्का दर्द बना रहता है, कभी कब्ज हो जाती है, कभी दस्त बढ़ जाती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये पाउडर लिखा जाता है, मोस्टली कब्ज वाले मरीजों के लिए लिखा जाता है। अब आ जाते हैं कि इसको कैसे लेना है, कितना लेना है। तो इसको आप सोते समय लें, सोने के पहले ले लें, एक ग्लास पानी में 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम के बीच में डाल सकते हैं। शुरुआत आप 5 ग्राम से करें, हो सकता है कि आपको 5 ग्राम में ही फायदा मिले और सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। आप सोते समय जैसे पानी के साथ इसको लेंगे तो सुबह आप देखेंगे कि आपका पेट साफ हो जाएगा। तो कब्ज होना, पेट भारी रहना, पेट में दर्द रहना, मरोड़ रहना, गैस होना, इन सब में आपको राहत मिलेगी। दिन में एक बार ही लें, अगर फायदा उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो आप दिन में 10 ग्राम तक इसको ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। फिर और भी तरीके जो होते हैं कब्ज को दूर करने के, वो ट्राई करना चाहिए। बेसिकली अगर किसी को कब्ज रहती है तो उसमें 2-3 तरीके रहते हैं इसको ठीक करने के लिए। या तो स्टूल का बल्क बढ़ जाए फाइबर से, ऐसी कोई दवाई हो जो लैक्सेटिव इफेक्ट दिखाए, आंत के अंदर पानी का सिक्रीशन बढ़ा दे, और ऐसी कोई दवा जो आंत की मूवमेंट को बढ़ा दे, तो ऐसी दवाइयां होती है। तो ये हो गया कि आपको पानी के साथ इसको रात में लेना है। क्या उम्र होनी चाहिए, तो 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये रिकमेंड है कि 5 से 10 ग्राम पर डे का लेना चाहिए। साइड इफेक्ट की बात करें, लोग पूछते हैं कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, तो इससे कुछ खास नुकसान नहीं होता। कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, या पेट के अंदर कुछ अजीब सा लगे, गैस बन जाए, एसिडिटी हो जाए, इस टाइप का, हालांकि ये सब रेयर है। ज्यादातर लोगों को अच्छे से ये टॉलरेट होती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इसको लंबे समय तक ले सकते हैं, या 2-4 महीने ले लें, 1 साल ले लें, 6 महीने, तो लिया जा सकता है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नुकसान करेगा, पर मेरी सलाह ये रहेगी कि आप थोड़े दिन इसको लो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने लो, लेकिन आपका जो मेन कारण है कब्ज होने का, गैस, एसिडिटी, मरोड़ का, उसका ठीक करो। कब्ज ठीक करने का तरीका ये है कि हम अपने रहन सहन और खान पान में सुधार करेंगे, तो ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना है उसके लिए, आप घर का खाना, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, ये लेंगे तो आपके कब्ज में फायदा होगा। दूसरा, समय से सो जाना, 7 से 8 घंटे की नींद, वो भी रात में लेना, और स्ट्रेस नहीं लेना, पानी ज्यादा पीना या गुनगुना पानी पीना, इससे आपके कब्ज में फायदा रहता है, और थोड़ा लाइट एक्सरसाइज
एक्सरसाइज स्पेशली चलने दौड़ने वाली या खेलने वाली योगा इस तरह की करेंगे तो कब्ज में अपने आप राहत मिल जाएगी। तो ये जो साफ्टोविक पाउडर है इसके बारे में जानकारी हो गई। कीमत भी अगर मैं बताऊं तो 1 ग्राम आपको 2 रुपए का पड़ेगा। तो जैसे अगर दिन के आप 10 ग्राम लेंगे तो 20 रुपए पर डे की प्राइस में आपका हो जाएगा। तो साफ्टोविक एक पाउडर है जो कब्ज के लिए, पेट भारी रहने के लिए, आंत को अच्छा हेल्दी बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो उसके बारे में ये सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई। थैंक यू।